नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं, आप YouTube चलाते हैं और आपने नए YouTube चैनल की शुरुआत कर दिया है तो आपको काफी ज्यादा चूल मची रहती है कि हम जल्दी जो है 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे कर लें, चैनल मोनेटाइज कर लें और फिर पैसा कमाना शुरू कर लें। इसके लिए आप तमाम ऐसी चीजें करते हैं जो करना चाहिए लेकिन फिर भी आप अपने काम से फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। काम पर काम तो करते हैं लेकिन उससे ज्यादा आप सोचते हैं कि किस तरीके से हम क्या करें कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे हो जाएं। और इसके लिए आपको कड़ी संघर्ष करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको अच्छे कॉन्टेंट्स बनाने होते हैं और आपके अंदर अगर यूट्यूब पे काम करते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस और धैर्य है तभी आप यूट्यूब पर आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके अंदर चूल मची हुई है तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पर पा सकते हैं या फिर यूं कह लें कि आप अपने चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पाकर आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लायक यानी कि मोनेटाइजेशन के योग्य बना सकते हैं। मैं चार पॉइंट कवर करूंगा, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपके चैनल के जो ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके सब्सक्राइबर्स पे व्यूवर्स पे जो इम्पैक्टेबल आप परसेप्शन बना पाएंगे वो कहीं ना कहीं बनता नजर आएगा। वो पूरी जानकारी की है, पूरा चार पॉइंट्स क्या है इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियोस काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल होने वाले हैं और आपको कुछ ये वीडियो जो है सीख देने वाली है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं क्योंकि ऐसी अपडेट आती रहेगी। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहला मैं पॉइंट अगर आपको बताऊं तो सबसे पहला आपका पॉइंट ये है कि आपके अगर कोई फेवरेट यूट्यूबर हैं, यानी कि आप किसी यूट्यूबर को पसंद करते हैं, किसी यूट्यूबर को लाइक करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके वीडियोस को देखते हैं तो आप जो है सैकड़ों यूट्यूबर्स जो हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी यूट्यूबर हैं आपको लगता है कि अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, आप सबको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है कि उनके वीडियोस पे जाइए। ठीक है, वीडियोस पे चले जाते हैं तो आपको क्या करना है कि जिस आईडी से यानी कि जिस ईमेल से आप अपना यूट्यूब अकाउंट बनाए हुए हैं उसी ईमेल आईडी से आपको क्या करना है कि उनके कमेंट्स, जितने भी कमेंट्स आए हैं उस पे आप लाइक करें, यानी कि उनके कमेंट्स को लाइक करें। ठीक है, आप उनके सारे कमेंट्स को लाइक करें, आपको मतलब चुल मची है तब मैं कह रहा हूं, इतना टाइम है आपके पास तो आप उनके कमेंट्स को लाइक करें, कमेंट्स को लाइक करें, कमेंट्स को लाइक करें, पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि आप उनके कमेंट्स को भी पढ़ें। ठीक है, तो कमेंट्स में क्या होता है कि कई सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूं तो उसमें किसी को डाउट भी होता है, किसी को और भी क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर उन क्वेश्चंस का जवाब आपके पास है यानी कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है कमेंट्स में उसका जवाब अगर आपके पास है तो आप क्या करें कि उस क्वेश्चंस का जो है आप जवाब अपने तरीके से दीजिए। उससे क्या होगा, ये तो काम करना है आपको, इससे क्या हो जाएगा, इससे चीज ये होगा कि अगर आप किसी के कमेंट्स को लाइक करते हैं तो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है कि आपने इसके कमेंट्स को लाइक किया। इसका पहला बेनिफिट ये होगा कि अगर 100 में से 10 लोग भी आपके नाम को क्लिक कर देखते हैं और आपके वीडियोस पे आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी यूट्यूबर है, ये भी जानकारी देता है तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी चीज इसमें आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप अगर किसी को क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो वो क्या होगा कि अगर उस आंसर से सेटिस्फाइड होगा और आपने सही तरीके से उसका जो जवाब था, उसका जो सवाल था उसका जवाब दे दिया आपने, तो वो आपका दीवाना हो जाएगा और जब दीवाना हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको वो फॉलो करेगा। तो इस तरीके से आप ये टेक्निक अपनाकर अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं जो कि 100% जो है वो वर्क करने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई। अगर मैं दूसरी चीज की बात करता हूं तो दूसरी चीज क्या करना है आपको कि आप फेसबुक तो चलाते होंगे, फेसबुक यूजर तो जरूर होंगे और फेसबुक पर जब चुल मची है तो ये काम तो करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि अगर आप यूट्यूब से जुड़ी कोई भी वीडियोस बनाते हैं या फिर किसी भी टाइप का कॉन्टेंट्स बनाते हैं, लाइक भोजपुरी का हो गया, बॉलीवुड का हो गया, पॉलिटिक्स का हो गया, जो भी आपका चैनल है
उसमें क्या करना है कि उसी से जुड़ा, जैसे कि मान लीजिए मैं YouTube टिप्स बनाता हूं, तो YouTube टिप्स से जुड़ा, YouTube सब्सक्राइबर से जुड़ा अपने Facebook पर जाकर जितने भी ग्रुप होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ग्रुप्स होते हैं उसको आपको क्या करना है कि ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आप उसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या करना है कि आप अपने वीडियो को ले जाकर उसमें पोस्ट करें। ठीक है, उसमें पोस्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जब आप पोस्ट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि उसी टाइप का, यानी कि आप ही का जो कंटेंट है उसी टाइप की ऑडियंस जो है उस ग्रुप में नजर आएंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस रहेगा कि आपके वीडियोस को देखा जाए और आपके वीडियोस पर व्यूज आए। तो ये इंप्लीमेंटेशन जो है आप जरूर करिए, काफी तगड़ा इंप्लीमेंटेशन है, काफी जबरदस्त इंप्लीमेंटेशन है, तो इसको आप जरूर की जितने भी आपके कैटेगरी से जुड़ा ये फेसबुक पर ग्रुप से उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें लगातार जो है अपना वीडियोस पोस्ट करें, और उसमें भी लाइक वाला जो मैं बात बताया पहले के लिए वो भी करें, और कोई अगर उसमें क्वेश्चन पूछता है तो उसका भी जवाब दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज की अगर मैं बात करता हूं, तो मान लीजिए आपने पिंटू सिंह यादव, मान लीजिए मेरा नाम है, या फिर टेक्निकल दुनिया मेरा चैनल है। अब क्या करता हूं कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं उसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक हैशटैग लगाऊंगा जिसका नाम होगा टेक्निकल दुनिया पिंटू या फिर पिंटू सिंह यादव। तो आप जो है अपना यूनिक चैनल नेम को वो कर लीजिए, यानी कि मैंने अगर मेरा नाम टेक्निकल दुनिया है तो मैं टेक्निकल दुनिया पिंटू का एक हैशटैग क्रिएट कर लेता हूं और सारे वीडियोज में मैं हैशटैग के साथ टेक्निकल दुनिया पिंटू डालता हूं। अब आपको क्या करना है कि वो हैशटैग जो है आप किसी और के वीडियोस में ले जाकर कमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि सेम चीज होगा कि उसके कमेंट्स को अगर कोई आप देखेगा तो वो क्लिक करेगा आपके हैशटैग पर, और जब आपके हैशटैग पर क्लिक करेगा तो ही डायरेक्टली गेट एक्सेस ऑन योर यूट्यूब चैनल, तो वो डायरेक्टली जो है आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएगा, और आपने फिर अच्छा चीजें दिया है तो ऑब्वियसली वो आपके वीडियोस को देखेगा, आपके चैनल को लाइक करेगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो ये तीसरा टिप्स है जो कि काफी ज्यादा इंपैक्टेबल है और ये इंपैक्ट डालता है, असर डालता है, एंड आई एम श्योर 100% श्योर कि ये जो है आपके लिए इंपैक्टेबल होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो चौथा पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आजकल जो है आजकल सभी के पास मोबाइल है, आपके रिलेटिव के पास मोबाइल है, पापा मम्मी बहन चाचा चाची दादा दादी सबके पास मोबाइल हो गया है। तो जब आप नए चैनल बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने चैनल को सर्च कर उनके मोबाइल पर लाएं, उनके चैनल से तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लस उनके मोबाइल से आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जितना वीडियो डालते हैं सारा का सारा वीडियो फुल एकदम टाइम पर देखते रहिए, और सबको बता दीजिए कि आपको पसंद आए चाहे ना आए हमारा वीडियो को चलाकर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे जब ऑडियो रिटेंशन बढ़ेगा, यानी कि जब आपकी वीडियोस आपके चाचा पे, आपके पापा पे, आपके मम्मी पे, आपके बहन पे, आपके भाई पे, आपके फुआ पे, आपके मौसी पे, आपके मौसा पे जब जाएगा तो वो उसको क्लिक करेंगे और पूरा का पूरा जब वॉच टाइम देंगे तो यूट्यूब एल्गोरिथम के अनुसार वो और लोगों के पास जो ऑडियो रिटेंशन होगा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा तो आपका ऑडियंस रिटेंशन काफी ज्यादा बढ़ेगा, और जब ऑडियो रिटेंशन बढ़ेगा तो उस पर क्लिक रेट भी बढ़ेगा, और ऐसे करते 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 हो सकता है कि आपकी वीडियोस वायरल हो जाए। इसका मतलब यह है कि जब ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा तो ऑब्वियसली मोर चांसेस होंगे कि आपकी वीडियोस वायरल हो। तो इस तरीके से जो है आपके अंदर अगर चूल मची हुई है कि जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइबर और व्यूज गेन कर लेना है, तो आप इस टेक्निक को अपनाकर जरूर जो है सफलता पा सकते हैं, और हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरा कर लें। तो मुझे लगा कि आप सभी को जानकारी देनी चाहिए, तो ये जानकारी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इंप्लीमेंट जरूर कीजिए, अगर सक्सेसफुल रहता है तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।